तो गाइस अभी आया था स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। 9:15 को आया था लेकिन 9:40 हो रहा है टाइम, मैं छोड़ के जा रहा हूँ अभी। ये देखो ऐसा रुकना पड़ता है भाई, इतने गाड़ियाँ आती है ना, मार लेके चले जाते भाई। अभी सिग्नल खुल गया ना, सिग्नल खुल गया ऐसे भर 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 बोल के घूमते रहते गाड़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ, यहाँ से सीधा हमारे एक दोस्त है, मित्र हमारे बहुत अच्छे दोस्त है यूपी वाले, जो यहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं। मैं जा रहा हूँ बैंक का कार्ड बनाने के लिए। वो किस लिए है पता है? मैं ना आराम से वहाँ पे जाके बताता हूँ कि किस लिए क्या कौन सा कार्ड बना रहा हूँ और किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़रूरी है। और वो किस लिए वो सब भी मैं वहाँ चल के बताता हूँ, करीम भाई के पास चल के। भैया ऑफिस में आ गए अपन हमारे करीम भाई के, लेकिन सारा मूड खराब करके रख दिया। करीम भाई हाय करो, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। हाय। आए थे भाई पासपोर्ट वासपोर्ट लेके कुछ काम करवाने के लिए, और कुछ भी हुआ नहीं। बोल रहे कि बहुत मुश्किल है मेरा, क्योंकि हम ना इसीलिए तो बता रहे स्कूल पढ़े नहीं हम लोग। क्या बात करते हो यार, इतना अच्छी जिंदगी है। और काम जो होना था वो नहीं हुआ है, वापस जाना पड़ रहा है मेरे को। सो गाइस अफ्तारी हो गई, मगरिब भी हो गई और ईशा का टाइम हो रहा है। मैं ना वो लास्ट टाइम एक बार वहाँ पे गया था पता है, स्ट्रॉबेरी की बख्शी में, ये कफील के खानदान की बख्शी है, वो वहाँ पे गया था मैं। लेकिन वो ड्राइवर लोग हैं, इधर ही रहते हैं। मैं उसको बोला वो जोगी भाई को, भाई मेरे को ना स्ट्रॉबेरी डेली चाहिए एक बॉक्स। कल बोला था, आज उसने मेरे लिए एक बॉक्स लेके आया है, वो भी इतने ज़्यादा लेके आया है। और मैं कोशिश करूँगा पूरे खाली करने के लिए, को इतने ज़्यादा है भाई, पूरे फ्रेश स्ट्रॉबेरी झाड़ में से तोड़ के लाया है। और पता नहीं कितने दिन लाता है कितने दिन नहीं लाता, आज तो लाया है, खाएंगे। और ये देखो भाई कितने प्यारे प्यारे स्ट्रॉबेरी है। जो भी उस बख्शी का वीडियो नहीं देखा है, और जाओ लिंक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो लिंक जो है बायो में देता हूँ, ठीक है? और जाके देखो बख्शी कैसी है बोल के, कितना एंजॉय करे थे अपन। चलो बाकी क्या, और खाएंगे इसको, धोएंगे, धो के और खाएंगे, बाद में मिलता हूँ आपको। तो गाइस रात के है ना 2:10 हो रहा है टाइम, मैं अभी जिम से आया हूँ चेस्ट मार के। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल में ना इतना कंटेंट पड़ा है ना, मेरा ब्लॉगिंग एडिट कर कर करके रखा हूँ, पोस्ट करने के लिए मेरे को टाइम नहीं हो रहा, पब्लिक करने के लिए। पता नहीं यार, ये जब से IPL चालू हुआ ना, मेरा मूड ही नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग का। फिर अभी सहरी का टाइम हुआ है, सहरी का अभी टाइम नहीं हुआ है, तो देख रहे हो सलाद है, और ये है चिकन बिरयानी आई है आज, और ये स्ट्रॉबेरी है, और ये फतूर यानी कि अफ्तारी में का जो मटन बिरयानी थी वो भी लाया था। और आने के टाइम पे जिम से मैं ना अलबैग खा के आया, अरे अलबैग KFC, सॉरी KFC ना स्नैक बॉक्स खा के आया एक। अभी मेरे को भूख नहीं है, मैं देखता हूँ अभी 2:10 और 3 बजे तक वेट करता हूँ, 3 बजे के बाद मैं सहरी कर लूँगा। तो फिर बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई वीडियो डालो वीडियो डालो, तो अभी मैं आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाऊँगा और वीडियो डालूँगा। ये वीडियो अब कमेंट करो, आप कमेंट करते रहो, आप मेरे को छेड़ो बस, कैसे भी करके छेड़ो, बस छेड़ो, बट गाली वाली सब लिखो, जो लिखना है लिखो, बट छेड़ो मेरे को मजबूर करो, मेरे को सताओ, मेरे को ना अच्छा नहीं। 11 बज रहा है टाइम सुबह के, और मैं जो है अभी ये वीडियो ना बहुत देर बाद शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ना देखो ये हफ्ता पूरा मैं स्कूल नहीं गया, एक या 2 दिन गया हूँ बस, उसके बाद में से स्कूल को नहीं गया हूँ, ड्यूटी नहीं थी, घर में नमाज पढ़ो खाना खाओ सो जाओ यही हो रहा था। कुछ खाली बैठे बैठे ना कुछ भी दिमाग ही नहीं भागता है भाई, कुछ अगर बाहर आएंगे ना तो आपको वीडियो बनाएंगे, एंटरटेन करेंगे, अच्छा लगेगा ना। तो ऐसा है कि अभी मैं जो है 12 बजे मेरे को हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? मेरा अपार्टमेंट जो है वो 13 तारीख का यानी कि आज का था, मतलब
पता है कब करवाया था मैंने? वो भाई साहब पिछले महीने 25 तारीख या 26 तारीख को अपार्टमेंट लिया था, वो अभी आज का आया है, 13 तारीख का आज का आया है। तो इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल को, अभी पहला रूम जाऊंगा, रूम जाके हॉस्पिटल जाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको मिलता हूँ बाद में। चलो गाइस, 11:40 हो रहा है टाइम, मैं जा रहा हूँ यार, चलने नहीं हो रहा यार, मेरे को थाइस मार गया है ना परसों, चलने नहीं हो रहा है। आप लोगों को ना एक बात बताना भूल गया मैं हॉस्पिटल किस लिए जा रहा हूँ, ये देख रहे हो कान में रुई रखा हूँ, मेरा ना कान खराब हो गया फिर से, वो कान का एक यार ये दांत में सीमेंट भरवा के आया था ना भाई, इतना खराब दर्द हो रहा है ना, इतना गंदा दर्द दे रहा है वो भाई, ऐसा लग रहा है हथौड़ा लेके अभी मार के तोड़ दूं उसको, उतना गंदा दर्द हो रहा है। किसी कोई दांत का ऐसा किसी को भी कौन सा वाला डोर बंद नहीं है भाई। हाँ मैं क्या कह रहा था, किसी को भी अगर मेरे दांत के जैसा किसी को भी अगर दर्द हो रहा है ना भाई, तो प्लीज कमेंट करके बताना, मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रही है भाई, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अभी चलता हूँ हॉस्पिटल में, मिलता हूँ। अल्लाह अल्लाह भाई साहब, मेरे घर में ना सच बोले मुझे दांत का जो है ना, कसम से बता रहा हूँ, दांत जो पूरा ये जबड़ा है ना, जान जा रही मेरी जान, एक मिनट के लिए भी नहीं रुक रहा है। मैं ना लौंग और नमक का पानी साथ में लेके घूम रहा हूँ, जैसे ही पेन हो रहा है नमक का पानी मुंह में डाल रहा हूँ। ओ भाई साहब, नमक का पानी डाल के दुकान में जा रहा हूँ, बोले नहीं हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है वो बंदा क्या बोल रहा है बोल के, फिर वहां पे कहां पे भी थूकने की जगह नहीं मिलती है, कैसे थूकूं मैं, देखो फिर से पेन हो रहा है, अभी फिर से मेरे को नमक का पानी डालना है। मैं आया हूँ अबू हमूर में, टाइम जो है 11 हो रहा है, मैं ना सुबह हॉस्पिटल गया था, जैसे कि आपको बताया हॉस्पिटल गया, मैं कान के बारे में दिखाया, जैसे ही ये कान का दिखाया ये दांत दर्द स्टार्ट हो गया, मेरे को नींद नहीं आ रही भाई साहब, इतना जबड़े में दर्द हो रहा है ना, नींद कसम से बता रहा हूँ नींद नहीं आ रही मुझे। ओ भाई साहब, किसी भी ऐसा दांत का दर्द हुआ है ना भाई, मैं तो चाहता हूँ मेरे दुश्मन को भी ना हो भाई ऐसा, ये दांत का दर्द बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है मुझे, कसम से बता रहा हूँ मैं पहला कैसे भी करके सुबह हॉस्पिटल जाना है, फिर दोबारा मिलता हूँ बाद में। रात के 1 बज रहा है टाइम, मैं आया हूँ हॉस्पिटल में वो दांत निकालने के लिए, क्योंकि मैं ना भाई मेरे तो लिटरली रात में नींद नहीं आएगी, इसीलिए आज कैसे भी करके ना उसको निकाल के ही जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। रात के 1 बज रहा है टाइम, ओ भाई बहुत दर्द हो रहा भाई दांत, मैं यही बोलूँगा दांत अगर दर्द हो रहा ना भाई निकाल लिया करो, खत्म नहीं तो कहानी खत्म। चलो देखेंगे क्या होता है, पता नहीं दांत निकालते हैं क्या करके, पता नहीं देखेंगे। तो भैया फाइनली रात के 2 बज रहा है टाइम, 2 बजे मेरा चेकअप हो गया, इंजेक्शन किया और गोलियां दवाई जो अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर ही फार्मासिस्ट है और हॉस्पिटल के अंदर ही उन्होंने दवाई दे दी मेरे को। अभी जा रहा हूँ घर, बोल रहे हैं कि कल
मतलब आज जुम्मा है ना, 2 बज रहा है तो रात के, आज जुम्मा है, बोल रहे रोज़ा मत रख, रोज़ा नहीं रखने का, अभी वो सुबह 9 बजे आने के बाद में दांत निकालेगा, ऐसा बोला, दांत निकालेगा। और भाई साहब मेरे को तो चलना नहीं हो रहा भाई, इंजेक्शन किया ना उसने, एक टांग उठा उठा के चल रहा हूँ मैं समझो। एक एक और एक बात है, रात के 2 बजे भी हॉस्पिटल यहाँ पे खुला है तो भाई सलूट है, यहाँ की सरकार को सलूट है, इमरजेंसी के लिए रात के 2 बजे भी, मतलब 24 घंटे भी हॉस्पिटल खुला रहता है यहाँ पे, बताओ भाई। हमारे यहाँ पे 5 हो गया, ताला लगा दिए, ख़त्म। ए किसका बाप बोलेगा तो भी नहीं, अंदर नहीं छोड़ेंगे, ख़त्म। 5 बजे ताला लगा देते, करेक्ट 9 बजे ही ओपन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अरे भाई साहब बैठने नहीं हो रहा, दुआ करो मेरे लिए, दुआ करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे लिए दुआ करो। चलना नहीं हो रहा मुझे, बता रहा हूँ मैं, जो सुबह आया था ना मैं आके, क्योंकि यहाँ पे ना, एक मिनट हाँ मैं थोड़ा सीधा बैठ के आता, यहाँ पे ना दवाई देते हैं ना अंदर, अंदर दवाई देते हैं तो ये लोग ना कैश नहीं लेते हैं, कैश नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ कार्ड चलता है, कार्ड, एटीएम कार्ड, क्योंकि पता है वो पैसा जो है वो सीधा सरकार को जाता होगा शायद, ऐसा प्लानिंग है। अगर तुम कैश देने गए तो कैश नहीं लेते यहाँ पे, अब समझो इतनी इतनी सारी दवाई लिया मैं, वो भी असली वाली दवाई है, 5 रियाल लगा मेरे को, 5 रियाल, उतनी दवाई का 5 रियाल लिए ये लोग, फिर भी 5 रियाल ले ले, कोई दिक्कत नहीं, सलूट है इनको, मैं बता रहा हूँ हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सलूट है भाई, इतनी रात में भी इलाज होता है तो। हमारे यहाँ पे होता है प्राइवेट में, फोन करके ना जाना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट में तो रात में हमारे से तो देगा नहीं, मैं अगर कभी गया भी नहीं, मेरे को नहीं पता है, अगर किसी को पता है तो बताओ मेरे को। और मैं चल रहा हूँ रूम पे जाके, मैं थोड़ा खाना वाना खा के थोड़ा आराम करूँगा, और मैं सुबह मिलता हूँ आपको। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए और ख्याल रखिए अपना, ठीक है, चलो।